किसान भाई और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइफ स्टॉक पिक फार्म में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं शुभम जी के पिक फार्म पर। तो शुभम जी, सबसे पहले आप बताएं कि आपका जो है थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि यह फार्म कहाँ पे पड़ता है। जी नमस्कार सभी दर्शक भाइयों को, मेरा नाम शुभम और विलेज खैरपुरा पोस्ट अलीपुरा, मेरा फार्म पड़ता है ये सहारनपुर से 7 किलोमीटर अंदर। तो शुभम जी, जैसे कि हम आपका फार्म देख रहे हैं, आपने फुल कवर्ड फार्म बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा फार्म बनाया हुआ है जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी पिक फार्म करने की? ये मुझे विकास भाई से प्रेरणा मिली थी पिक फार्म की। मैं काफ़ी फार्मों पर विजिट किया, लेकिन मैं विकास भाई के पास आया, फिर विकास भाई ने मुझे बताया कि पूरा कवर्ड फार्म बनाना चाहिए और बहुत अच्छा बिजनेस है। और जैसे कि जो है आपने इस काम में, ये आपका जो शेड है ये कितने बाय कितने का हुआ? ये 40x70 का शेड है हमारा, 40 फुट चौड़ा है और 70 फुट लंबाई है। जी जी जी। तो जैसे कि आपकी इसमें, आइए थोड़ा सा हम पहले आगे चलते हैं। इधर जो है, जैसे कि आपने ये सारा का सारा जालियों का बनाया हुआ है, तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है, थोड़ा सा जरा ये बताएं मेरे सर। इसका ये बेनिफिट है कि हमारा जो बाहर का वातावरण है, बाहर की जो हवा है ना, वो सारी सारे फार्म में घूम जाती है, क्रॉस हो जाती है और अच्छा वेंटिलेशन क्रिएट होता है यहाँ पे। जी जी जी। और अगर हम ईंटों का बनाए तो उसमें हवा आर पार नहीं हो पाती और गर्मियों में फिर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि आपका बहुत अच्छी तरीके से आपने फार्म बनाया हुआ है और इधर की तरफ तो आपके जो है मेरे ख्याल से बड़े बड़े कमरे हैं, अभी खाली पड़े हैं, तो इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है, अभी मैंने 5 दिन पहले माल सेल किया है, 37 जानवर अभी इनमें जानवर थे और अभी सेल किए हैं जो बड़े जानवर थे मैंने। तो ये जो 37 जानवर थे कितने लाख रुपए के आपने बेचे थे? ये बेचे मैंने 4,85,000 रुपये, मतलब 4,85,000 का माल आपने बेचा है। आपको पिक फार्मिंग करते हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे 1 साल हो चुका है। 1 साल में मतलब कि आपने अब तक कितना माल बेच चुके हैं? अभी तक मैंने बेचा 12 लाख रुपये का माल, 12 लाख का बेच चुके हैं। और माल कितने का लेके आए थे आप? मैं 7 मादा लेकर आया था 84,000 की और 2 मादा और 1 नर लेकर आया था 50,000 का, तो लगभग 1,34,000 का मैं माल लेकर आया था। उसके बाद मेरे पास बच्चे आए 40 और वो जो मैंने मेरी पुरानी मादे हो गई थी कुछ उनमें ख़राब थी, तो वो मैंने सब सेल करी 1.5 लाख रुपये की, मतलब तो पुरानी मादाएँ निकाल के और फैट में निकाल के। हाँ, जो पुरानी मादाएँ थे वो मैंने सेल कर दी, जो 1,34,000 की हंडी थी मैंने 1.5 लाख रुपए की सेल की थी, प्लस उनका बच्चे, प्लस उनके बच्चे मेरे पास 40 बचे, वो मैंने 4,85,000 रुपए के अभी सेल किए। अभी फ़िलहाल आपके पास जो है मादाएँ हैं? अभी 4 प्रेग्नेंट मादाएँ हैं और 28 बच्चे हैं। तो आइए ज़रा इनका जो है माल देखते हैं, इधर की तरफ जैसे सारे बच्चे होंगे मेरे ख्याल से, है ना? जी जी जी। और ये आपकी प्रेग्नेंट मादाएँ हैं जी, माताओं का दिखाइए अपने दर्शक भाइयों को। अभी मैं खड़ी करके दिखाता हूँ माताओं को। तो माता जो है ये आपकी प्रेग्नेंट है जी, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपकी नस्ल लग रही है सर। और जैसे कि आप ने इतना टाइम हो गया आपको, सिर्फ 1 साल में आपने इतने कम टाइम में इतनी इन्वेस्टमेंट में इतना काम कर लिया जी सर, तो टाइम में आपने इतना काम भी कर लिया, उसके बाद आपके इतना भी है, आप माल सेल भी करते रहते हैं जी, तो मुझे ये बताइए कि आपको इस काम से क्या चीज़ प्राप्त हुई है? ये काम हमारे जो दर्शक भाई है, जो हमारे युवा पीढ़ी जो इस काम को देखने लग रही है, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये काम करना चाहिए, अच्छा है बुरा है, क्या ध्यान में रखने वाली बात? सर मैं अभी सभी दर्शक भाइयों को और युवाओं को ये सलाह देनी चाहता हूँ कि मैंने भी काफ़ी बिजनेस करे हैं और सभी बिजनेस को मैंने घूम के देखा है, लेकिन कोई भी बिजनेस मुझे फार्मिंग से बढ़िया नहीं लगा। और लोग बताते हैं कि करोड़ों कमाए जाते हैं, यह है कि मैंने जो एक्सपीरियंस अपना कराया है वो 35 से 40% का प्रॉफिट है। मतलब आपने 12 लाख का माल बेचा है, उसमें आप 35 से 40% कह रहे हैं, 30% भी पकड़ के चलते हैं, तो लगभग ये आपका हो गया 3,60,000 रुपये का। जी सर, 1 साल में आपने जो है इससे 3,60,000 रुपये कमाए हैं। जी सर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर इसमें लागत भी लगती है, आपने 1,70,000 के तो जानवर खरीदे थे लगभग, इस शेड में कितना खर्चा आपका आया था? इस शेड में लगा है सर मेरा 5.25 लाख रुपये, मतलब 5.25 लाख रुपये के आसपास इस शेड में लग गया था। तो अभी तक आपकी शेड की कॉस्टिंग भी इसमें से पूरी निकल के नहीं आई? नहीं, पर शायद अगले साल तक, कहते हैं 1.5-2 साल तक हमारी शेड की कॉस्ट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, दूसरा हम पूछना चाहेंगे कि माल सेल करने में आपको कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं सर, जब मर्जी आप तब बेच पाते हैं? जब मर्जी बेच पाते हैं, जब मर्जी आधी रात भी अगर आप किसी को बोल लोगे कि मुझे माल बेचना, आधी रात आपका माल मिल जाएगा। और नंबर एक बात यह है कि इसमें उधार 1 रुपये का नहीं, मतलब इस काम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, यही है कि इसमें उधार किसी 1 पैसे का नहीं। अच्छा, इसमें हम ध्यान रखने वाली क्या बातें होती हैं कि जो हमारे किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए,
कि ये गलतियाँ ना हो। अगर ज़्यादा तो मेरे में भी शुरू में ये गलती हो गई थी कि आप जो कंस्ट्रक्शन है इस पर ज़्यादा पैसा ना खर्च करें, और ये है कि जितना आपका बजट है उतना ही फार्म लेकर चलें। बाकी बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, बजट आपका 5 लाख का है तो कम से कम 10-15 मादा डाल लेते हैं, फिर क्या होता है कि उनका खाने का खर्चा नहीं चल पाता, फिर वो क्या करते हैं बीच में अपने बच्चे मतलब घाटे में बेच देते हैं, तो इसी कारण कुछ लोगों के फार्म घाटे में चले जाते हैं। और बंद होने का रीज़न भी यही बंद है। होने का रीज़न भी सेम यही है कि जब आपको प्रॉपर फीड नहीं मिलेगी, बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, तो फिर तो घाटे में जाना ही जाना। तो शुभम जी, जैसे कि हम बात करते हैं, आप ये बात कहने लग रहे हैं कि मैनेजमेंट सही होना चाहिए, लागत सही तरीके से लगानी चाहिए, तो आप क्या खिलाते हैं अपने जानवरों को? सर मैं रॉयल ग्रीन की फीड खिलाता हूँ, शुरू से ही मैंने रॉयल ग्रीन खिलाई है आज तक जब से मैंने फार्म स्टार्ट किया, और बहुत अच्छी साइनिंग भी मेरे बच्चों में है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। मतलब कभी आपको ऐसा लगा हो एक साल में कि आप लॉस के दायरे में जाने लग रहे हैं? सर मैं कभी आज तक लोग जो बोलते हैं कि फार्म लॉस में चलेगा, वो उन्हीं के कारणों की वजह से फार्म लॉस में जाता है, वरना अगर जो सही मैनेजमेंट रखता है ना तभी फार्म लॉस में नहीं जा सकता। कभी और तरीके की कंपनी की फीड या अपनी बनाई हुई फीड आपने यूज़ करके देखी है? सर मैंने बीच में 1 महीने के लिए अपनी फीड बनाई थी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा क्या कारण हो सकता है सर? सर ऐसा कारण ये है कि सही जो सप्लीमेंट है वो नहीं मिल पाते हमारे यहाँ। जी जी जी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही कंपनी स्कीम करती है वो सब चीज़ हमारे पास नहीं है, कच्ची फीड अगर खिलाओगे आप तो जानवर ग्रोथ नहीं कर पाता। फिलहाल जिस हिसाब से रॉयल ग्रीन के रेट बहुत सस्ते हैं जी, और अपनी कंपनी की अगर हम फीड की बात करते हैं कि अपनी बनाई हुई फीड हम इस्तेमाल करते हैं तो रेट में फिलहाल कुछ अंतर है, लगभग बराबर पड़ता है? रेट में कोई अंतर नहीं है, अभी मक्की का भी 2200-2300 रुपये का रेट है, और जितने भी आप इसमें प्रोडक्ट डाल लेंगे तो सेम सा ही रेट पड़ता है, लेकिन वो मज़ा नहीं है क्योंकि वो कच्ची रहती है। वो कच्ची रहती है, स्टीम का मज़ा स्टीम का ही है लेकिन कच्ची का कोई मतलब। एक साल में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ आप अपने फार्म पे जो है देख चुके हैं, ओवरऑल नतीजे पे अब जैसे कि कुछ लोग हमारे भाई ये सोचते हैं कि होटल वेस्ट पे फार्म करना चाहिए, क्या होटल वेस्ट सही है, होटल वेस्ट का हमें चुनना चाहिए नहीं चुनना चाहिए, फीड पे ही रखना चाहिए, कुछ इस तरीके से बताएं? सर मैं तो यही सलाह दूंगा सभी दर्शक भाइयों को और मेरे किसान भाइयों को कि होटल वेस्ट बिल्कुल बेकार की बातें हैं, होटल वेस्ट पर जानवर कभी भी आप तैयार नहीं कर सकते, और जितनी मोर्टलिटी और जितना बीमारी का खर्चा होटल वेस्ट पर है शायद फीड पर ना हो। अगर आपको कहीं से होटल वेस्ट मिलने लग जाए जी, तो क्या आप खुद होटल वेस्ट पे अपने जानवरों को चला पाएंगे? मैं तो नहीं चलाऊंगा और मैं सलाह भी नहीं दूंगा कि आप होटल वेस्ट पे चलाएं। मतलब होटल वेस्ट एक तो बहुत ज़्यादा गंदगी, बदबू, और खुद भी लगना शायद अच्छा नहीं लगता होगा आदमी को। और फीड पे जो है साफ सुथरा काम है, बिल्कुल साफ सुथरा सर, बिल्कुल भी स्माइल नहीं है, और जो हमारा वेस्ट जाता है ये भी खेत में हमारे काम आता है, बढ़िया फसल पैदा होती है इससे। आपका जो है कितने बीघे में आपका ये पूरा खेती बाड़ी और जो आपका फार्म है? ये सर हमारा 1.5 बीघा जो फार्म में जमीन है ये 1.5 बीघा है, कुछ पीछे वेस्ट पड़ी है कुछ सामने, और ये हमारा 35 बीघे का एक ही चक है यहाँ पर। इस 35 बीघे में सुअरों की खाद जाती है? जी सब में सुअरों की खाद जाती है, पीछे हमने गड्ढा बना रखा है, वहाँ से वेस्ट उठा के जब सूख जाता है सब खेतों में डाल देते हैं, बहुत ही अच्छी, किसी भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, जैसे यूरिया दवाई या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। मतलब उसी से आप उसका बिजनेस भी करने लगे? बिल्कुल सर बिल्कुल, काफ़ी आपको फर्क पड़ता है जी। तो लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जो आप अपने हमारे दर्शक भाइयों को कहना चाहेंगे कि इस काम को वाकई में करें ना करें, और इसमें नुकसान रखने वाली बातें बता दें थोड़ा सा कि ये चीज़ें ध्यान रखें, और फायदे की बातें बता दें ज़्यादा नहीं सिर्फ थोड़ी सी आप चीज़ें बता दें। देखिए सर जो हमारे दर्शक भाई हमें देख रहे हैं और जो हमारे किसान भाई हैं, देखो मैंने इंटर प्लस ITI प्लस BA हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, और देख लो फिर भी मैंने काफ़ी बिजनेस करके देखे, नौकरी की भी ट्राई की, लेकिन कभी अब आज का जो भविष्य है वर्तमान में जो सरकार है नौकरी का तो युवाओं का भविष्य रहा ही नहीं, और मेन मकसद है सरकार का भी कि वो भी बिजनेस ही करे, और मैंने भी बहुत बिजनेस देखे हैं, लेकिन कुल मिला के नतीजा यही है कि किसी भी कोई भी बिजनेस टिकाऊ नहीं है। अगर आप टिकाऊ बिजनेस करोगे भी तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, जैसे कि करोड़ों रुपए में अगर आप बिजनेस करोगे तब जाके लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर आप 50 लाख रुपये या 20-30 लाख रुपये लगा कर भी आप फार्मिंग करते हो तो आराम से 1 लाख रुपये महीना कमा लो। और दूसरी बात क्या है कि इसमें उधार नहीं, आप कोई भी दुकानदारी में चले जाओ उसमें उधार है। कुछ ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप बिल्डिंग पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें,
बाकी आप जो भी काम शुरू करें वो ट्रेनिंग लेकर शुरू करें, कहीं से भी ट्रेनिंग लो, ये ट्रेनिंग लेकर ही काम शुरू करना चाहिए, प्रॉपर पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ क्या होता है, कुछ लोग जानकारी बिना ट्रेनिंग के लिए फार्म स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी लॉस में चले जाते हैं। ऐसा होता है कि हमारा जानवर बीमार है, हमें पता नहीं है इस बीमारी का क्या कारण है, कौन सा इंजेक्शन लगाना, इतना हम दूसरे से कंफर्म करेंगे, इतना हमारा बच्चा मर जाता है। शुभम जी, आपको हमारी तरफ से जैसे कि जो है आप हमारे पास भी आते हैं, कभी गलत सलाह या गलत राय, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने खुद के प्रॉफिट के लिए आपको कुछ गलत चीज़ सलाह दी हो? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह पाऊँगा, और विकास भाई ने तो जितनी मेरी मदद की, इतनी शायद किसी की ना करी हो, जितनी मेरी मदद करी है, भीड़ वक्त में आधी रात में मेरे साथ खड़े रहते हैं, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास भाई ने, और आज विकास भाई की बदौलत ये फार्म इतना अच्छा रन हो रहा है और इनकी फीड भी बदौलत। चलिए, तो ये थे हमारे शुभम जी, हमारा जो है इनसे बहुत ही अच्छा आज का जो है शेड्यूल रहा, साथ में जो है हमारे ट्रेनिंग के कैंडिडेट भी इनके फार्म पे आए थे, काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा, विजिट पे आए थे, प्लस जो है ये अच्छी तरीके से अपने फार्म को रन कर रहे हैं, एक साल के इनके पास एक्सपीरियंस है, भविष्य में और अच्छा अपने फार्म को बढ़ाएंगे हम दुआ करते हैं। तो यहीं पर ही हम इजाज़त लेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।